हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हम लोगों ने वंडरेला वाली ट्रेड ली थी, इट वेंट अप टुडे इंट्राडे पे, इट वेंट अप अराउंड 13-14% जंप मारा है उस ट्रेड ने। एंड इट्स और हम लोग वो ट्रेड डिस्कस कर रहे हैं जब से प्राइस एक्शन उसका बनना चालू हुआ, उसके बाद एक 10% का मोमेंटम आया, फिर आज फिर से एक 10% का मोमेंटम आया ओवरऑल। तो कायदे से 20% भी लिया जा सकता था, आई बुक्ड अराउंड 13-14%, वही पे मैंने उसको बुक करा। एंड यार इट वाज रियली गुड, टोटल प्रॉफिट अराउंड 20,000 का हुआ मुझे उस पर्टिकुलर ट्रेड से। 2 लाख के आसपास इन्वेस्ट करा था मैंने एंड 11-12% के आसपास निकाल दिया उसको, 2-3 लॉसेस भी थे उसको भी कट कर दिया उसके साथ ही, तो टोटल 20,000 का प्रॉफिट बुक्ड। नाउ ये मैंने अपडेट कर दिया था टेलीग्राम में क्योंकि और कोई अपडेट मुझे लग नहीं रहा था। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हो। ओके सो यहाँ पे अगर आप देखो क्रेडिट एक्सेस जो है, क्रेडिट एक्सेस पहला स्टॉक दिख रहा है, सो क्रेडिट एक्सेस लुक्स गुड टू मी, बट वॉल्यूम नहीं है वह स्टॉक में, ठीक है। कल के लिए ये स्टॉक्स हैं एंड वीकली टाइम फ्रेम पे भी अच्छे लग रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस लेवल है, वहीं कंसोलिडेट करा है स्टॉक, ब्रेक डाउन देने के बाद स्टॉक वापस ऊपर आया है, राइट। So, वापस ऊपर आने के बाद अब अगर आप देखोगे तो वो इस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो जब तक वो इससे बाहर नहीं निकलेगा तब तक यू कैन नॉट से कि वो एक अच्छा ब्रेकआउट है। ऑल्सो वॉल्यूम्स डिक्रीज ही करते चले जा रहे हैं, ठीक है, एंड ये कंसोलिडेट हो रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। बट अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है और वॉल्यूम नहीं होता है तो हम इसको स्किप कर देंगे, माइट बी अ फेक आउट। ऐसी जगहों पे जहां पे इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है वहां कंसोलिडेशन देने के बाद भी कभी कभार ब्रेकआउट पॉसिबल नहीं होते हैं। तो ये पहला स्टॉक है, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, स्टॉक को अपने लिस्ट में डाल लो और पैटर्न समझ लो, दैट्स ऑल। दूसरा स्टॉक है केपीआर मिल्स। केपीआर मिल्स जो स्टॉक है आपका, वो इट्स मेकिंग काइंड ऑफ अ लेट इट ओपन। सो ये स्टॉक भी काफी अच्छा एक पैटर्न बना रहा है, उसका नाम है वो हमारा डिसेंडिंग ट्राइंगल टाइप का पैटर्न है, ठीक है, या दिस वन। सो डिसेंडिंग ट्राइंगल टाइप का पैटर्न बना रहा है, बस इसमें भी वही सेम चीज है कि आपका वॉल्यूम्स नहीं है, राइट। सो लुक्स गुड टू मी कि ये यहां से पॉप आउट कर रहा है, ठीक है, बट लेट दिस कैंडल बी लिटिल बिट बिगर, बिगर होने दो कैंडल को, थोड़ा और बॉडी आने दो यहाँ पे। एंड ये जो वॉल्यूम है ये देखो यहाँ डिक्रीज हो रहे हैं, मुझे चाहिए वॉल्यूम इंक्रीमेंट, ठीक है। तब तक कोई भी ट्रेड इसमें मैं नहीं ले रहा जब तक कि एक अच्छा वॉल्यूम ब्रेकआउट मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई देगा दोनों ट्रेड्स में। ऑल्दो दोनों स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन, बट आई विल ऑल्सो गो विद वॉल्यूम। ओके सो टेलीग्राम लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वी आर सून गोइंग टू हिट 6,150 मेंबर्स, सो आई होप आप सब लोग फॉलो करोगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि आएगा कल।